दोस्तों अगर आपकी भी कुछ चाय की दुकान है या रोटी बनाने का ढाबा है या किराने की दुकान है या राशन की दुकान है और आप उसके लिए ऊपर से शेड बनाना चाहते हैं जिससे आपकी धूप और बारिश से बचत हो जाए तो आज का वीडियो इसी बारे में होने वाला है। अगर आपकी ऐसी दुकान है, छोटी सी दुकान है और उसके लिए आप शेड बनाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखें। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कितने रुपए का बनेगा, कारीगर कितनी लेबर लेगा और टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, मटेरियल कौन सा लगेगा, कितना लगेगा, कितने रुपए खर्चा आएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है मौली सिंह, आप देख रहे हैं SS फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी मौली सिंह 1986 है। तो सबसे पहले दोस्तों बता दूंगा मैं आपको, साइज 8x10 गहराई है, गहराई 10 है शेड की और चौड़ाई 8 फीट है टोटल। और सारी की सारी पाइप जो लगी हुई है, टोटल पाइप 40 mm की लगी हुई है, 12 किलो की लगभग ये पाइप है। ये जो पाइप है 12 किलो वजन की है, 20 फिट में 12 किलो वजन होता है इस पाइप में। डेढ़ की पाइप है, 1.5 इंच x 1.5 इंच, 40 mm x 40 mm की पाइप है। टोटल पाइप जो इसके अंदर लगी हुई है दोस्तों 60 रनिंग फिट पाइप लगी है, मतलब कि तीन लेंथ 60 रनिंग फिट पाइप का वजन होता है लगभग 35 किलो, और आज के हिसाब से 70 रुपये किलो के हिसाब से लगभग 2500 रुपये की ये पाइप है। और उसके बाद आ जाती है शीट, जो ये ऊपर आप देख रहे हैं टिन वाली शीट लगी हुई है, इसको हम वेव शीट भी बोल देते हैं, टिन वाला पत्रा भी बोल देते हैं, बहुत से लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं तो हम इसे इस वीडियो में वेव शीट बोलेंगे या तो फिर टिन शीट बोलेंगे। ये 10 फिट की एक शीट है, 4 फिट चौड़ाई है शीट की, 10 फिट लंबाई है। 10 फिट की एक शीट लगभग 1200 रुपये में आ जाती है दोस्तों। तो कुल मिला के 2400 रुपये में दोनों शीटें हो गई कंप्लीट। लोहे का 2500 रुपये, 2400 रुपये की शीटें, 1500 रुपये कारीगर की लेबर, 1500 रुपये लेबर में ही आपका ये पेंट भी आ जाएगा, स्क्रू भी आ जाएंगे, नट बोल्ट भी आ जाएगा और टोटल इंस्टॉलेशन भी आ जाएगा। तो कुल मिला के 6500 रुपये में ये शेड कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगर इसकी बजाय आप प्रोफाइल शीट में शेड बनवाते, 2x2 की पाइप लगवा के थोड़ा बड़े साइज का या इसी साइज का भी बनवाते प्रोफाइल शीट में, तो वो आपको 120 रुपये स्क्वेयर फिट पड़ता। ये शेड जो है साइज है 8x10, 80 स्क्वेयर फिट, 80 स्क्वेयर फिट टोटल साइज हुआ, 10x8, 80 स्क्वेयर फिट को 80 से ही गुणा करेंगे, 6400 रुपये इसके टोटल बनते हैं, 80 रुपये स्क्वेयर फिट ये टोटल शेड पड़ता है आपका। जो भी साइज हो, आपका साइज अलग है, आप खुद से कैलकुलेशन कर लो, 10x5 का है तो 50 स्क्वेयर फिट को 80 से गुणा कर दो, 4000 रुपये का बनेगा। 10x10 का है तो 80 से गुणा कर दो, 100 × 80, 8000 रुपये का बनेगा। यही अगर प्रोफाइल शीट में बनाना आप चाहेंगे तो 120 रुपये स्क्वेयर फिट बनेगा। ये जो रेट मैं आपको बता रहा हूँ ये सितंबर 2021 के रेट हैं, हमारे हरियाणा के जिला सिरसा के रेट हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा मैं एवरी संडे रात को 9 बजे लाइव आता हूँ और मुझसे मेरा फ़ोन नंबर ना पूछा जाए। अगर किसी को मुझसे कोई सवाल जवाब करने हैं तो मैं कभी भी इंस्टाग्राम पे लाइव तो आता ही आता हूँ, यूट्यूब पे रात को 9 बजे एवरी संडे लाइव आता हूँ, वहाँ पे आके आप अपने सवाल जवाब मुझसे साझा कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वह घंटे का बटन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि ये शेड उड़ तो नहीं जाएगा आंधी में तूफान में, तो ये आप देख सकते हैं पिछले 12 सालों से लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ऐसा भी लगवा सकते हैं। इससे और बढ़िया चाहते हैं तो प्रोफाइल शीट में जा सकते हैं। थैंक यू। तो नहीं जाएगा तो ये बिल्कुल नहीं उड़ने वाला है, यहाँ पे इसको जमीन में दबा रखा है। मैं कहाँ दिखा रहा हूँ, तू कहाँ दिखा रहा है, कट कर जमीन स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो उसके लिए ये शेड कितने रुपए का बनता है और कारीगर क्या लेगा आपसे और टोटल डिटेल से बात करने वाला हूँ दोस्तों। कट कट कट। दोस्तों अगर आपकी नहीं नहीं चलने देना, अब चलने देना, कट कर दे एक बार।